सेनापति कहिए कहिए मुझे किस लिए याद किया गया? ये एक बहुत जरूरी खास काम के लिए। कौन सा काम है? तुम अपना भेष डाकुर हमेश सिंह का बना लो। सामने देवी माँ के मंदिर में पहले से छुप कर बैठो। उस देवी माँ के मंदिर में महाराज हेल सिंह के बड़े राजकुमारी किरण पूजा अर्चना करने जाएंगे। राजकुमारी किरण को मंदिर से उठाओ, ले जाओ कहीं घने जंगल में, राजकुमारी का खून कर दो। वापस आने पर तुम्हारे माना इनाम तथा सिपाही से सेनापति का पद। सेनापति समझिए कि आपका काम हो गया। ये तो हमारी दाएं बाएं हाथ का खेल है। विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है। आज आज हमारे हाथों से जिंदा नहीं बचेगी। शाबाश शाबाश। राजकुमारी किरण, तुम देवी माँ के मंदिर से पूजा अर्चना करके वापस नहीं आ सकते। Thank you.
नहीं रह सकता महारानी जी। केवल तो कुछ हो जाएगा तो मैं भी चिंता नहीं बचूंगा। सेनापत गजराज सिंह तुम 500 सैनिकों के साथ जाओ, राजकुमारी जहां भी मिले फौरन लेकर आओ, नहीं तो मेरी महारानी रो रो के मर जाएगी। महाराज चिंता मत कीजिए, मैं सिपाहियों को साथ लेकर जा रहा हूँ, इस इलाके का चप्पा चप्पा छान डालूंगा। सिपाहियों उठाओ असलहा हमारे साथ। महाराज जी मैं जानता हूँ महारानी जी, लेकिन नहीं, सेनापत गजराज सिंह बहुत बहादुर है महारानी जी, वो राजकुमारी किरण को अवश्य लेकर आएगा, ये मेरा दिल कह रहा है।
खुद तेरे आज शरीर पर चढ़ा इस कुल्हाड़ी से पापी कर जंगल में उठा ले गया और वो मेरी जिससे खेलना चाहता
इतने में ये नौजवान आकर बचा लिया और उसे कुल्हाड़ी से मार कर उसका खून कर दिया। मेरी बेटी किसान व जान बचाने वाले नौजवान, तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, क्या नाम है बेटा, बोलो। उसे क्या देख रहे हो, डरो मत। राजा साहब, हमार नाम जंगली है। क्या जंगली? हाँ, पलंगपुर गांव में रहता हूँ। तुम पलंगपुर गांव के रहने वाले हो। हाँ। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए राजन, क्या कहना चाहते हो? तो बेटा, पर तुम्हारी बहुत खुशबू आज के हो मेरे दरबार में, मंत्री का कार्य करिए मेरे साथ में, काफी इज्जत मिले। कहना क्या है?